हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपके फोन में भी सिम कार्ड नहीं आ रहा है? क्या आप अपने फोन में सिम कार्ड लगाते हैं फिर भी आपका सिम कार्ड फोन में डिटेक्ट नहीं हो रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि हम सिम कार्ड के इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हैं हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फ़ोन पे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमारा जो फ़ोन है उसमें सिम कार्ड जो है वो हमारा आ ही नहीं रहा है, सिम कार्ड हमारा डिटेक्ट ही नहीं हो रहा है। तो ये क्या प्रॉब्लम है और इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कई बार हमारे फ़ोन में ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने सिम कार्ड को कैसे ला सकते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर में मेरा एक भी सिम कार्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है, लेकिन हमने जो है अपना सिम कार्ड जो है वो अपने सिम कार्ड जो फ़ोन में है वो लगा रखा है, फिर भी हमारा सिम कार्ड जो है यहाँ पे नहीं आ रहा है। ऊपर में आप देखेंगे तो इमरजेंसी कॉल्स ओनली दिखाता है। तो इसे ठीक करने के लिए आपको मैं कुछ ट्रबल शूट्स बताऊँगा, कुछ स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो आपको फॉलो करना है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सिम इजेक्टर पिन जो होता है, जैसे हम सिम ट्रे को जो बाहर निकालते हैं उससे आपको सबसे पहले सिम ट्रे को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आपको चेक करना है कि आपने सिम कार्ड जो है वो सही से लगाया है या नहीं, सही से सीधा सीधा लगाया है या फिर नहीं। कई बार तो क्या होता है कि हमारा सिम कार्ड ही हम गलत तरीके से लगा देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि सिम जो भी आपका सिम है उसको आपको एक बार साफ कर लेना है। अगर उसमें कोई धूल मिट्टी या फिर कुछ जमा हुआ है अगर सिम का ट्रे में, तो आपको उसे एक बार साफ कर लेना है ठीक से, और साफ करने के बाद आपको बेसिकली उसे फिर से इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट करने के बाद अगर फिर भी यहाँ पे आपका कोई भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो अब मैं आपको कुछ सेटिंग बताने जा रहा हूँ जो आपके फ़ोन में हो सकता है बिगड़ गया होगा, जिसके कारण से भी ऐसा हो रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सेटिंग्स पे जाना है। ये रहा सेटिंग्स, सेटिंग्स पे जाइए और यहाँ पे आपको दिखाई देगा मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक यहाँ पे दो सिम लगा हुआ है, और यहाँ पे दोनों जो सिम है इसके नीचे डिसेबल्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आपको नो सिम भी दिखा सकता है, क्योंकि अगर आपका सिम यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होगा तो सिम यहाँ पे नो सिम भी दिखाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ये इनेबल ही नहीं है, जिसके कारण से हमारा सिम कार्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो ऐसा भी प्रॉब्लम कई बार हो सकता है, हो जाता है कि हमारा जो सिम कार्ड है वो डिसेबल्ड हो जाता है, जिसके कारण से भी हमारा सिम कार्ड डिटेक्ट नहीं होता है। तो इसे हम इनेबल करेंगे, ये हमने इनेबल कर दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा ये इनेबल हो जाएगा। और इनेबल करते ही यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क हमारा फुल यहाँ पे आ चुका है, तो इसे भी हम इनेबल कर देते हैं दोनों सिम को। और अगर आपका सिम कार्ड इनेबल्ड है, यहाँ पे आपको सिम कार्ड दिखा रहा है और इनेबल्ड भी है, फिर भी अगर आपका नहीं आ रहा है नेटवर्क वगैरह, तो यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया रहता है प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, देख सकते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ से हो सकता है आपका 2G सेलेक्ट हो गया होगा, तो आपको ऊपर में 4G, 3G और 2G जो ऑटो वाला ऑप्शन होता है इस पर आपको टिक करके रखना है। उसके बाद आपका जो नेटवर्क है, अगर यहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसके बाद आपका नेटवर्क जो है वो आना शुरू हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि हमारा जो सिम कार्ड है उसमें नेटवर्क से रिलेटेड कुछ ज़्यादा सेटिंग होता नहीं है, तो यहाँ पे इतना ही सेटिंग होता है जिसे आप सही कर सकते हैं, और उसके बाद आपको अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। अगर फिर भी इतना सब सेटिंग करने के बाद भी आपका अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको सिम कार्ड को बाहर निकाल लेना है, बाहर निकाल लीजिए, और जो भी सिम कार्ड आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, नहीं डिटेक्ट हो रहा है, उस सिम कार्ड को आपको किसी दूसरे फ़ोन में लगा के देखना है कि उसमें आपका सिम कार्ड जो है वो आ रहा है कि नहीं, नेटवर्क उसमें आ रहा है कि नहीं। अगर उस फोन में भी आपका उस सिम कार्ड का नेटवर्क नहीं आ रहा है, तब तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका जो सिम कार्ड है वो ख़राब हो गया है। कई बार क्या होता है, हमारा सिम कार्ड ख़राब हो जाता है। कुछ दिन पहले ही मेरा एक सिम कार्ड जो है वो ख़राब हो गया था। तो अगर आपका सिम कार्ड ही ख़राब हो गया है, तब तो वो कितना भी आप ट्राई कर लीजिए वो नहीं आने वाला। उसे आपको क्या करना होगा, आपको नज़दीकी कोई शॉप पे जाना होगा जहाँ पे आपका जो सिम कार्ड है वो एक्टिवेट होता है, तो वहाँ पे आपको उसी ऑपरेटर का जो सिम कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा पैसा लेगा वो और आपको दूसरा सिम कार्ड एक्टिवेट करके दे देगा, और उसके बाद 2-3 घंटा लगता है, उसके बाद आपका जो सिम कार्ड है वो चालू हो जाएगा और चलने लगेगा।
तो एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि आपको क्या करना है, दूसरा कोई सिम लेना है और अपने फैमिली मेम्बर में से किसी और का सिम ले लीजिए और उसके बाद आपको अपने फ़ोन में लगा के देखना है कि वो सिम कार्ड आपके फ़ोन में आ रहा है कि नहीं। अगर वो सिम कार्ड आपके फ़ोन में भी नहीं आ रहा है, कोई दूसरा सिम कार्ड भी नहीं आ रहा है, तो हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई हार्डवेयर इशू होगा, जो सिम कार्ड ट्रे जो होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा। बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपका सिम कार्ड ट्रे में ही कुछ फ़ोन में ही कुछ प्रॉब्लम हो जिसके कारण से आपका फ़ोन में सिम कार्ड जो है वो नहीं आ रहा होगा। तो इसके लिए तो आपको क्या करना होगा, अब जब भी आप कंफर्म हो जाइए, क्योंकि सिम कार्ड आपने दूसरे फ़ोन में लगा के देख लेंगे, अगर उसमें नेटवर्क आ रहा है आपके सिम कार्ड का जो आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने फ़ोन को अपने नज़दीकी सर्विस सेंटर में लेके जाना है, वहाँ पे आपको वो ठीक करके आपको बेहतर तरीके से ठीक करके आपको दे सकते हैं। तो ये सब कारण होता है जिसके कारण से हमारे फ़ोन में नेटवर्क जो है वो नहीं आ पाता है, और इस प्रॉब्लम को आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।